गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कम इन कम इन। यस वेरी गुड मॉर्निंग। एक एक मिनट, एक मिनट सर। ये सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, ये मेरी आंख का एक्सटेंशन है जिससे मैं साफ साफ देख सकता हूँ किसके दिल में चोर है या दिल मांगे मोर है। वाह, बिल्कुल सच्ची, एकदम साफ। But very brave also, And you? तुम्हारी मुस्कुराहटों पे हो निसार, फिर भी क्यों है तेरा दिल उदास? क्या कह रहे हैं आप? क्या है, हमारा चेहरा जो है ना एक आईना है। मुंह से झूठ बोला जा सकता है लेकिन चेहरे से झूठ नहीं बोला जा सकता। Understand, sir. And why you stand? Please sit. आइए आइए, बैठिए बैठिए। कहिए, what can I do for you? Well, मुझे तो आप जानते हैं, the superstar KT. अच्छा। मेरा क्या है, जब से राजस्थानी आपके कॉलेज के बारे में बहुत सुन रखा है सर। वो हमारा बेटा अर्जुन, वो भी बहुत होनहार है, खेलकूद हो चाहे पढ़ाई हो, हर चीज में अव्वल आता है। जी, और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता है, कण कण में, रग रग में उसकी एक्टिंग भरी है। मुझ पर है ना, द सुपरस्टार केटी का बेटा है। वैसे आपने मेरी फिल्में देखी होंगी, एक थी रंगीलो मारो बीन, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी, उड़ेड़ी छान और टूटे वो मकान, टाइम रहते सुधार लेना चाहिए नहीं तो बर्बाद हो जाएगा छोरो। तो उस फिल्म में क्या था कि मैं जब हीरो था ना। बस बस बस, तो फिर आप लोगों को उसको एक्टिंग स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहिए ना, इधर क्यों आया? देखो, हमारा कॉलेज है ना, एजुकेशन और स्पोर्ट्स को अहमियत देता है। तो आप अर्जुन की फाइल देखिए ना केटी जी, फाइल दिखाई ना जी, उसकी सारी रिपोर्ट्स इसी में। फाइल भी है। अर्जुन टिबरेवाल जी, नाम सुना है? अरे सुना होगा, सुपरस्टार केटी का बेटा है, मेरा बेटा। अरे ऐसे नहीं, याद आया, उसने तो दारू पीकर गाड़ी ठोक दिया था ना, पुलिस रिकॉर्ड है इसका, क्रिमिनल। उम्र 17 का और खेल खतरा का। देखो, हम ऐसे बच्चे को हमारा कॉलेज में एडमिशन नहीं देगा, समझा? चलो हमारी बात, चलो चलो, नो मींस नो, एक बार बोल दिया ना, फिर काई को दिमाग का दही कटता है। चलो चलो, आओ जो आओ जो, नमस्ते साहब जी। चलो कोई डोनेशन देना हो तो हम चलो, निकलो निकलो यहाँ से, चलो आओ जो आओ जो। मिल गई तसल्ली, पड़ गई ठंडक दिल को। प्रीति जी, हो गया ना जो आप चाहते थे, आपकी वजह से हुआ है, जो हुआ है ना आपकी वजह से ही हुआ है। मेरे बेटे की जिंदगी इन्होंने ही बर्बाद की है, मेरा बेटा कॉलेज की दर दर ठोकरे खा रहा है सिर्फ आपकी वजह से, पता है? इतना होनहार बेटा था मेरा, मतलब अभी है, रात दिन एक करके मैंने उसे मेहनत से पढ़ाई लिखाई करवाई, जब लाइट नहीं होती थी तो मोमबत्ती जला कर मैंने उसे पढ़ाया है, एक माँ के सपने को तो चकनाचूर कर दिया, इनकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब तो क्या हो रहा है मिस्टर केटी? ये क्या हो रहा है? आप तो चुपी रहिए। सर, मैं इस इंसान से थक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ मतलब थक चुकी हूँ, आप इन्हें समझाइए। नहीं, आप एक बात बताइए, कोई अपने बच्चे को जो 17 साल का है उसे क्रिसमस में एक महंगी गाड़ी गिफ्ट करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं करेंगे ना, इन्होंने की, ये गलत बात है कि नहीं है? बिल्कुल है, है ना गलत? सुनिए क्या कह रहे हैं। तो हम आपस में बात, माना कि ये बहुत बड़े सुपरस्टार है लेकिन इनका बच्चा अपनी काबिलियत पर सुपरस्टार बनेगा ना, बनेगा ना, तो ये समझते ही नहीं है सर, जो हो रहा है इनकी वजह से ही हो रहा है, इसीलिए मेरे बच्चे का एडमिशन कहीं नहीं हो रहा, दर दर की ठोकरें खा रहा है मेरा बच्चा, सब इनकी वजह से, इतना होनहार बच्चा है सर वो, जब आप देखेंगे ना मेरे बच्चे को, मेरे होनहार बच्चे को, तब आपको समझ में आएगा, कोई उसका IQ टेस्ट लेकर तो दिखाए, आपको पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा कितना होनहार। अब सुपरस्टार केटी जी कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मैम, रहने ही दीजिए आप, इनको तो बोलना भी बेकार है। सर, आप मेरे बच्चे को एडमिशन दें या ना दें, लेकिन मैं इस इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती, मैं आज ही छोड़कर इसे जा रही हूँ, बस मुझे रहना ही नहीं आपके साथ। नहीं नहीं नहीं, समझ गया समझ गया,
अरे सर आप समझ जाइए, एडमिशन दे दीजिए, गड़बड़ हो जाएगी अगर ये घर छोड़कर चली जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, घर टूट जाएगा मेरा। एलिमनी देते देते मेरे स्टार्टर पर जुलूस निकल जाएगा और इस उम्र में दूसरे की बीवी तो मुझे कहीं से। दूसरे की बीवी मतलब? दूसरी बीवी कहाँ से मिलेगी मुझे इस उम्र में? देखा, अपने बच्चे की भविष्य की चिंता तो है ही नहीं, दूसरी शादी की फिक्र ही नहीं, इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती? नहीं नहीं, गलती तो सारी मेरी है ना, मैं तुम्हें शादी करके अपने घर ले आया था। गलती तो मेरी है जो आपकी फोटो देखकर मैंने शादी की है। तो अभी देर नहीं हुई है, कर लो। देर तो हो गई ना। एक मिनट, एक मिनट, प्लीज लड़ाई झगड़ा बंद करो, शांति से बैठ जाओ। नहीं करनी मेरे को तुमसे बात। बैठो। ये सॉरी, ये तो आपकी है। हाँ रे, क्या बच्चों की तरह लड़ते झगड़ते रहते हो, हाँ खत्म करो ये सब। ये लड़ाई तभी खत्म होगी सर जब मेरे बच्चे को एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं खत्म होगी। मैं इस इंसान को छोड़कर जाऊंगी। दे दीजिए सर एडमिशन, दे दीजिए, वरना ताने मार मार के ना मेरे कान में से खून निकाल देगी। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे अर्जुन को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। सर थैंक यू सो मच सर। एक मिनट, लेकिन उसके पहले मैं उसका IQ टेस्ट लूंगा। अगर वो टेस्ट में पास हुआ तो फिर उसको हमारा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। चलेगा। मिस्टर सबर, मिस्टर टिबरवाल सर, तुम्हारी वाइफ है ना, बहुत समझदार लगती है, कभी कभी उसकी बात माना करो। अगर आप कह रहे हो तो मान लूंगा सर। चलो देखो, लेकिन मैं पर्सनली तुम्हारे घर पे आऊंगा और तुम्हारे बेटे अर्जुन का टेस्ट लूंगा और घर पे आकर देखूंगा कि तुम्हारे घर का एनवायरनमेंट अर्जुन के लिए सही है या नहीं। और क्या है, एक बच्चे का संस्कार ही उसका फ्यूचर तय करता है। जी 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 जी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। चले। अरे प्रीति पार्टनर, क्या मजा आ गया सच। है ना, हैरानी हुई ना आपको मेरी एक्टिंग देखकर। अरे आपकी नहीं, मैं अपनी बात कर रहा था, क्या एक्टिंग की है मैंने। आपने तो मतलब ओवर एक्टिंग की दुकान खोल ली थी, अगर मैं नहीं होता तो आप कंट्रोल में नहीं आती। वो ओवर एक्टिंग की दुकान और मैं, ये झूठे हैं केटी जी, आपको खुद नहीं पता था कि आपको एक्टिंग करनी भी है कि नहीं करनी है, उसका क्या। अरे नहीं, मैं तो आपको मौका दे रहा था परफॉर्म करने का, क्योंकि अगर मैंने एक्टिंग करनी शुरू कर दी तो आपको चांस मिलता क्या। नहीं ना, वैसे मानना पड़ेगा मेरे साथ रहकर आप काफी कुछ सीख गई हैं। सुपरस्टार की वाइफ सब कुछ सीख गई। जिन्हें अपनी तारीफ करने से फुर्सत ना हो वो मुझे समझाएंगे। ऐ उसने बहार, काबिले तारीफ हूँ, क्या करूँ, बस आदत सी पड़ गई है। But seriously, प्रीति जी, जोक सफार, आज आपने कमाल कर दिया। आपकी वजह से अर्जुन को पहला चांस मिल गया, एडमिशन भी मिल ही जाएगा मुझे लगता है। प्रीति जी, यू आर द बेस्ट प्रीति पार्टनर। केटी जी, कोई देख लेगा तो क्या कर रहे हो? अरे तो क्या प्रॉब्लम है, लाइसेंस है, पति पत्नी अब हम। चलता है, अब बस कुछ ही दिन तक चलेगा, उसके बाद ये दर्जा फिर से नंदिनी का होगा। प्रीति जी हाँ आइए ना। आई स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।